आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 कूलाम चार्ज का क्या मतलब होता है। देखिए, हर जो बॉडी है वो एटम से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और एटम में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं, बराबर नंबर में बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बॉडी में उतने आपके प्रोटॉन होंगे, ठीक है, जिससे आपका एटम क्या रहता है, न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन दोनों पर चार्ज भी बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है आपका -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव में होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है, इससे मैं अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँ, ठीक है, इससे मैं कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लाऊँ बाहर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है मेरे, मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अगर कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है, और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहा हूँ, ठीक है, तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, पहले बॉडी में क्या था, एटम्स थे, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इस पे बॉडी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें क्या था, एटम ये बॉडी थी, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव, तो बॉडी पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और 1 कूलाम चार्ज का क्या मतलब है। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है 1.602 × 10⁻¹⁹, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1.602 × 10⁻¹⁹ है, कूलाम में होता है, ठीक है। तो 1 कूलाम इक्वल टू हो गया आपका 1/1.602 × 10⁻¹⁹। मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिया है, आया आपका 6.28 × 10⁻¹⁸ ठीक है, इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम आवेश होता है, बहुत कम होता है। एक कूलाम आवेश माने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पर होगा, 6.28 × 10⁻¹⁸। मेरा कहने का मतलब है, एक बॉडी में से मैं जब 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तब मेरी बॉडी पर एक कूलाम का आवेश आएगा। कितने का आएगा, एक कूलाम का, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन समझ में अगर नहीं आए हो तो एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे एक सेब, ठीक है, 10 रुपये का है, ठीक है, तो 1 रुपये के कितने सेब आएंगे, 1/10। बस यही सेम इधर है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यही वाली सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ की हुई है, ठीक है। इससे पता चलता है कि एक बॉडी में से 6.28 × 10⁻¹⁹, एक बॉडी में से जब आप 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो इस बॉडी पर कितना आवेश आ जाएगा, 1 कूलाम। थैंक यू।